कांग्रेस ने ग्वालियर लोकसभा सीट से अशोक सिंह यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अशोक सिंह ने बताया कि इस चुनाव में मुख्य रूप से विकास ही मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह ग्वालियर में गंदगी की समस्या बढ़ी है और ग्वालियर स्मार्ट सिटी के पैमाने पर 59वें पायदान पर आ गया है, यह बीजेपी सरकार की नाकामी है। कांग्रेस पार्टी ने आपको मौका दिया है इस बार लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आना चाहेंगे आप? हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की अकर्मण्यता, जिस बिल्कुल काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए। 2014 में जनता से वोट लिए, 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार नौकरी देने का वादा किया, आर्थिक विकास दर बढ़ाने का वादा किया, इन सब के जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, वो हम जनता को बताएंगे। प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने वचन पत्र हम लेके आए थे चुनाव से पहले, उसमें से 70% पूरा कर दिया। तो हम जो कहते हैं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, तो हम भी उसी आधार पे जनता के बीच में जाएंगे। सर, ग्वालियर के विकास का क्या मुद्दा है इसमें? निश्चित तौर से ग्वालियर का विकास एक बड़ा मुद्दा रखूँगा मैं, क्योंकि इसका एक विजन प्लान मैं अभी दूंगा आपको, और उसके साथ ही साथ जो ग्वालियर में विकास की दौर में जो बहुत पीछे पिछड़ गया है उसको पूरा करने का प्रयास करें। आज स्वच्छता की मैं 59वें नंबर पे, तो ये क्या है, इस क्यों नहीं किया गया? सर, इस बार जो आपको लगभग चौथी बार टिकट दिया गया है कॉलेज के लोकसभा से, तो सर इस बार जो आप चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस बार आपको सर किस प्रकार से आपके सामने चुनौतियाँ या फिर एक माहौल आपके सामने आ रहा है, सर आपकी क्या योजना रहेगी चुनाव लड़ने के लिए? हमारी योजना साफ है, हम कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों को लेके और बड़े नेताओं के आशीर्वाद से चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ने भी ये तय कर रखा है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सबक सिखाना है। विधानसभा के वक्त भी 8 में से 7 सीटें हमारी जीती हैं। युवाओं के रोजगार को लेकर के आपकी क्या योजना है? रोजगार एक ग्वालियर में बड़ी समस्या है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि युवकों को खासतौर से क्या रोजगार उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए प्रयास करें। सर, ग्वालियर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जो ग्वालियर की सर सड़कें हैं और ग्वालियर का सर जो विकास है वो बहुत ही एक स्लो गति से हो रहा है। यहाँ पे IT सेक्टर की बहुत समस्या है, IT में बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। यदि सर आप बनते हैं तो आप IT के लिए प्रमुख क्या कार्य करेंगे सर? नहीं, IT सेक्टर के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ एक समस्या है कि यहाँ कंपनी अभी आने में इंटरेस्टेड कम है, तो उसके लिए प्रयास हम व्यक्तिगत तौर से करेंगे कि यहाँ कंपनियाँ आए और एक IT का हब जिस तरह से बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद बना है, उसके बाद अब इंदौर और नागपुर बन रहा है, तो सेकंड फेज में ग्वालियर भी बने।